सो हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे सामने ट्रायंप की पूरी लाइनअप है। स्क्रैम्बलर 400 और स्पीड 400, 39.9 bhp पे 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड ये अगेन सामने आपको बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है जिसको तो ये स्टार्ट करना है एक बार। तो ये आइडियल आवाज है। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। और मैं आया हूँ आज ट्रायंप में, नारायणा में, दिल्ली में। तो भाई आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रायंप की स्क्रैम्बलर 400 वाली जो वेरिएंट है वो सारे के सारे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा दूं। तो ट्रायंप का आपको इसके अंदर में लोगो मिलता है और बहुत ही प्रीमियम चाबी है भाई। इनकी जो प्रीमियमनेस है ना भाई, वो आपको चाबी से ही स्टार्टिंग दिख जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है आपको ट्रायंप की स्क्रैम्बलर 400X। तो भाई इसके अंदर में जो डिफरेंस है स्पीड से, वो इसका जो सस्पेंशन है उसके अंदर में, जो इसका स्प्रॉकेट है उसकी ट्यूनिंग थोड़ी चेंज है, और फ्रंट टायर में। तो सबसे पहले फ्रंट असेंबली पे बात करते हैं तो आपको इसके अंदर में एंड्योरेंस के 150 mm ट्रैवल वाले शॉकर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यहीं देखने को मिल जाता है कि आपको 10 mm ज़्यादा देखने को मिलता है स्पीड के कंपेयर में। वही अगर मैं डिस्क रोटर की बात करूँ तो इसके अंदर में आपको 320 mm का डिस्क रोटर देखने को मिलता है विथ 4 piston कैलिपर। और इसके अंदर में आपको सिनेट्रेट ब्रेक पैड नहीं मिलते, इसके अंदर में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलता है MRF का टायर, मतलब बेसिकली क्या है कि ऑफ रोड में थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा आपको। एंड ये अगेन ट्यूबलेस है एंड 19 inch का ये टायर आता है आपको। तो ये अलॉय व्हील के साथ में आता है और ये ट्यूबलेस है। तो इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 19 inch का टायर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पे आपको इसके अंदर में ये सारे जितनी भी चीजें लगी हुई दिख रही है वो सारी की सारी आपको कंपनी फिटेड है। तो इसके अंदर में जो ग्रिल है कंपनी से फिटेड आता है। एंड यहाँ आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, लेग गार्ड भी कंपनी से फिटेड आता है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा, वो है इसका जो हैंडल गार्ड है वो देखने को मिलता है। रेफरेंस के तौर पे मैं पिक्चर डाल दूंगा, बट इस वाली में पर्टिकुलर यूनिट में है नहीं क्योंकि मैं शांति से साइड में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से ये वाला यूनिट मैंने चुन रखा है। तो सबसे पहले चाबी मैं इसके यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो कंसोल देखने को मिलता है वो अगेन स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों की सेम देखने को मिलती है। 180 km/h का पूरा आपको इसमें एनालॉग क्लॉक मिलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल है। एंड इसके अंदर में जो सबसे बड़ा जो आपको चेंजेस मिलता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के अलावा आपको ABS ऑन ऑफ करने का भी सिस्टम मिलता है। बाकी वही आपको बेसिक जितने भी वार्निंग लाइट्स है सारी मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ABS ऑन ऑफ का ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको न्यूट्रल का साइन मिलता है, गियर इंडिकेशन पोजीशन, RPM मीटर आपको यहाँ मिलता है, और बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ मिलेगी। और क्लॉक हो गया, किलोमीटर है, ट्रिप वन है, ट्रिप टू है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये लगभग सिमिलर है, बस इसके अंदर एक फीचर है कि आप इसके अंदर में ABS पीरियर वाला ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिलता है। ये हैंडल बार में भी चेंजेस है, थोड़ा सा ब्रॉड है, और ये भी आपको इस बाइक के साथ ही मिलता है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको सारी की सारी ऐसी बाइक आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगेन यार इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। यहाँ पे आपको किल स्विच का ऑप्शन मिलता है, हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो मिरर है वो इस तरीके का मिरर देखने को मिलता है, और ये आपको मिलती है बाइब्री की मास्टर सिलेंडर। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो आपको अगेन पास का ऑप्शन बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, वही एक इन्फॉर्मेशन बटन जिसमें आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर देखने को मिलता है, और हॉर्न की लाइट यहाँ पे हॉर्न का बटन आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये रेड कलर में इन्होंने एक्सेंटली दिया हुआ है ताकि आप पहचान जाओ इसको। एंड ये आपको अगेन इसमें जो टैंक है वो भी 13 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। और जो इंजन है वो सेम ही कैटेगरी का आता है, आपको सेम ही दोनों में इंजन इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको मिलता है DOHC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 फेज 2 E20 कंपैटिबल 400cc का इंजन, 397 जिसे कहते हैं, 397 या 393 के आसपास इसे बोलते हैं। एंड जो ये पावर प्रोड्यूस करता है 39.9 bhp पे 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड ये अगेन सामने आपको बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है जिसका फैन आप देख ही सकते हो। एंड नीचे आपको देखने को मिलता है बैश प्लेट, एंड ये कंपनी से आता है, स्पीड में आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये आपको मेटल मिलता है क्योंकि यहीं पे आपका इसमें कूलेंट भी सिस्टम है। ये जो व्हीकल है ये 6
गियर बॉक्स स्पीड के, ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है ये व्हीकल। एंड यहाँ पे आपको स्क्रैम्बलर 400X की यहाँ पे बैजिंग मिलती है प्लेट, एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सीट है जो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, तो सीट आपको स्प्लिट देखने को मिलेगी, और इसकी जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, एंड ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। भाई अगेन आप पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रायम्फ का लोगो देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे LED पूरा बैकलेट मिलता है, एंड LED इंडिकेटर। एंड ये जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट में चेंजेस है, तो ये आपको 835 mm की हाइट देखने को मिलती है इसके अंदर में, एंड इसके अंदर में आपको सिंगल स्टैंड ही देखने को मिलता है। वही अगेन पीछे का जो सस्पेंशन है उसको भी थोड़ा सा ट्यूब किया गया है, एंड इसके अंदर भी आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। पीछे रेयर ब्रेक की बात करो तो अगेन वही 280 mm का हमें डिस्क रोटर देखने को मिलता है विद सिंगल पिस्टन बाइब्री के कैलिपर। यहाँ पे आपको सारी गार्ड का ऑप्शन मिलता है, और जो पीछे का टायर है उसके अंदर में भी चेंजेस किए गए हैं, MRF के हैं, और ये आपको ऑफ रोड पर्पज पे देखने को मिलता है, और एच रेटेड टायर है ये। और इसके साइज की बात करो तो वट आई बिलीव कि 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका टायर साइज देखने को नहीं मिल पा रहा। और रेफ जी का ये टायर आता है, एंड जो इसका एग्जॉस्ट नोट है उसमें भी चेंजेस है, प्लस इसका जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर भी चेंजेस किया हुआ है। चेन स्प्रॉकेट है उसके अंदर भी, जो आपका टीथ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, ताकि आपको इसके अंदर में बेहतर गियर रेशियो मिले, ताकि ऑफ रोडिंग करते टाइम आपको जो इनिशियल टॉर्क है वो ज़्यादा मिले और आप ऑफ रोडिंग बेहतर तरीके से कर पाओ। तो कुछ इस तरीके की टोटल ये दिखती है, और इसका जो वेट है वो 10 किलो ज़्यादा है आपकी स्पीड से, तो ये आती है टोटल 186 kg की, और जो स्पीड है वो आती है 176 kg की। तो यही सारे के सारे इसके अंदर में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं, एंड जो इसकी क्वालिटी है भाई वो टॉप नॉच है। ट्रायम्फ इंडिया ने भाई क्वालिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एंड जो इसका फुटपैक्स है वो भी चेंज है, तो आप इसको यहाँ पे नट बोल्ट से बोल्ट नहीं है, आप इसको सीधा निकाल सकते हो, और अपने जो ऑफ रोडिंग वाले बूट्स है उसे आप ग्रिप यहाँ पे मिल सकती है अच्छे तरीके से। एंड ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पीछे अपराइट मिलेगा, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज है, और जिसकी वजह से आपको जो सिटिंग एर्गोनॉमिक्स है वो बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलते हैं, एंड ऑफ रोडिंग में बहुत ही मज़ा आता है। इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, आपके ऑफ रोडिंग आप माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकते हो, प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के लिए तो ऑब्वियस बात है आपको वही स्पोक व्हील्स होने ज़रूरी है, जैसे कि हिमालयन के अंदर में आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पूरी ओवरऑल और दिखती है। तो आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताना, और क्या आप इस बाइक को लेना चाहोगे वो ज़रूर बताना। प्राइस जो है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको आ रही होगी एक्स शोरूम प्राइस, क्योंकि ऑन रोड आपके स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। बाकी जो सीट की जो कुशनिंग है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो अभी मैं बैठ के बताता हूँ कि मेरी 5'6" हाइट है, और उस हिसाब से मेरे कितने पैर इस पर पहुँचते हैं। दोस्तों 5'6" मेरी हाइट है, तो मतलब मैनेजेबल है, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, तो 5'6" होना आपको मैनेज कर लोगे। बाकी जब आप राइडिंग बूट्स पहनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। भाई अगर आप 5'6" पर सोच रहे हो, परेशान हो भाई आपको लेनी चाहिए कि नहीं, तो आप ले लो। सो दोस्तों अभी जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो सुना रहा हूँ स्क्रैम्बलर 400X की आवाज़। तो भैया स्टार्ट करना एक बार, तो ये आइडियल आवाज़ है।